यू आर प्रेजेंट हियर, और मुझे आज आपसे कुछ ऐसा शेयर करना है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अभी मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग लाइव आ सके, और इनफैक्ट जितने लोगों को लाइव बुला सके उतने लोगों को आप लाइव ले आए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सबको बताइए कि ये वाली एक वीडियो जो है, चाहे मेरी और कोई वीडियो पता नहीं आपके काम आए ना आए, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मुझे लगता है कि आपको ये देखनी भी चाहिए। मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करने जा रहा हूँ, विच आर जस्ट फैक्ट्स अबाउट समथिंग, एंड जुडिशरी का जो डिसीजन है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। तो आप अगर देखेंगे कि हम यहां पे आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है, कैसे होता है, जुडिशरी कैसे चलती है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लर्निंग फॉर अ लॉट ऑफ अस। दिस इज गोइंग टू बी अ लर्निंग फॉर व्हाट ऑफ अ लॉट ऑफ अस। ठीक है, आप प्लीज बैठे रहेंगे और आज मेरी पूरी बात सुन के जाइएगा। ये मैं एक डिसीजन आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, विच इज अबाउट हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर राजस्थान एट जोधपुर। सो राजस्थान हाई कोर्ट की यहां पे बात हो रही है, और एक सिविल रिट पिटीशन लगाई गई। किसने लगाई? ऋषा लोढ़ा जी ने, ठीक है, वर्सेस द आईसीएआई थ्रू इट्स प्रेसिडेंट सीए निहार एन जंबूसरिया, आईसीआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग। ओके, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? ठीक है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? आप एक बार सुनेंगे मेरी बात को और ढंग से देखेंगे, आप लोगों को बहुत सारी बातों के बारे में पता चलेगा। आज जस्टिस दिनेश मेहता कुछ ऐसा कहते हैं, द पिटिशनर अ यंग स्टूडेंट ऑफ 21 इयर्स ऑफ एज हैज नॉक्ड एट द डोर्स ऑफ दिस कोर्ट बीइंग एग्रीव्ड बाय एक्सट्रीम ऑप्रेसिव एक्शन ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, फॉर शॉर्ट द इंस्टीट्यूट, which enjoys a long earned reputation of setting high standards of professional excellence, discipline and meeting the timeline, especially when it comes to holding of examinations and declaring results. Although the chronological facts are handful, but their culmination has been dreadful and concussion thereof could have been doomful. मतलब उन्होंने बताया है कि ये बहुत बहुत ही दुखदाई व्यथा है, ये हम क्या बताएं। तो हुआ ये था, आपको भी याद है कि काफी बच्चों ने सेंटर्स को लेकर और चीजों को लेकर के एक मेल डाल दिया था, कुछ लोगों ने इंस्टीट्यूट को डाला, कुछ लोगों ने सेंटर्स को डाला कि अगर आप एग्जाम अगर प्रॉपर मैनर में नहीं करा पाएंगे या कुछ भी होगा और कोविड वाली सिचुएशंस हैं तो प्लीज अरेंजमेंट के बारे में बताइए, या इस तरह की बातें, कई सारी बातें बच्चों ने लिखी थी जो कि बच्चों के साथ में एक मैं कहूंगा कि जरूरत थी। उन्होंने पूछा, जब बच्चों ने पूछा तो इंस्टीट्यूट ने ऐसे कई बच्चों के रिजल्ट्स जो हैं रोक दिए और कहा कि हम रिजल्ट नहीं देंगे, ऐसा कुछ व्याख्या हुई। उनमें से एक व्याख्या ये है, उनमें से एक व्याख्या ये है, और यहां पे कोर्ट ने इस स्टूडेंट के फेवर में डिसीजन सुनाया है जहां पे इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट रोका था। और मैं आपको मेन मेन मुद्दे अभी एक बार बता देता हूं। On 22nd of Feb 2021, as a bolt from the blue, she received an email dated 22/2021 from the Deputy Secretary of Examinations, informing her that a result had been put on hold because of derogatory remarks she had made in her email. An explanation was simultaneously sought as to why disciplinary proceedings should not be initiated against her for the same. उनसे एक explanation भी मांगा गया। अच्छा, बच्ची ने एक unconditional apology भी लिख दी कि भाई अगर मेरी कुछ इनअप्रोप्रिएट रहा होगा और मेरी तरफ से कुछ रहा होगा तो मैं सिंसियरली अपोलोजाइज करती हूं, और मैं अपने एक्शंस को रिग्रेट करती हूं, और प्लीज मुझे इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मतलब ठीक है, बाद में रिजल्ट में उनके आता है, एलिजेड रिजॉर्टेड टू अनफेयर मीन्स डेरोगेटरी रिमार्क्स ड्यूरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जामिनेशन नवंबर 2020। ये किसी के लिए बहुत गलत है। आप सोचो, किसी बच्चे को अगर आप ये बोलोगे तो आप समझ रहे हो, एक उसकी सामाजिक इज्जत होती है,
और एक होता है पूरा का पूरा करियर, दोनों दांव पे लगते हैं, एक चीज दांव पे नहीं लगती। एक चीज दांव पे नहीं लगती है। वेरियस ईमेल्स वर एक्सचेंज बिटवीन पेटिशनर एंड रेस्पोंडेंट नंबर टू इन द मीन टाइम, बट द सेम आर नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस। ठीक है, उन्होंने काफी बार बोला और उन्होंने लिखा कि अंडर कैप्शन लिख दिया अडॉप्टेड अंडर अडॉप्टेड अनफेयर मीन्स लेटर फॉलोज, स्क्रीनशॉट शेयर करा होगा। अब मिस्टर मनोज भंडारी एंड मिस्टर अजय कोठारी जो कि आईसीआई की तरफ से रिस्पोंडेंट्स थे, उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास इनका रिजल्ट तो सील्ड एनवेलप में पड़ा है लेकिन हमने रिलीज नहीं करा है एटसेट्रा एटसेट्रा, और कुछ इस तरह की बातें हुई। अब देखो यहां पे एक बात आती है, मिस्टर बालिया टुक द कोर्ट थ्रू ईमेल डेटेड 22/2/2021 व्हिच वाज इमीडिएटली सेंट बाय द पिटिशनर ऑन रिसीट ऑफ द नोटिस गिवन बाय द रेस्पोंडेंट। ही वाज एट पेन्स व्हेन ही सबमिटेड द पिटिशनर्स रिप्लाई और रिस्पांस डेटेड इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द इनॉर्मस प्रेशर एंड रिपेंटेंस व्हिच ही कुड हैव फेल्ट वुड हैव फेल्ट ऑन रिसीविंग द नोटिस एंड हाईलाइटेड दैट द पिटिशनर नॉट ओनली अपोलोजाइज्ड but also went to the extent of feeling ashamed of herself. Kitna bura hua uske saath. Then he posed the question, what else did the respondent committee expect of the petitioner? Aur kya chahti thi? Institute aur kya chahta tha? Institute aur kya chahta tha? Batao. Pooch rahe hain institute se bhi. Kya aap kya chahte the aur kya aap isse kuch karenge? Without prejudice to his basic condition, contention that email dated was in no manner derogatory, learned counsel submitted that the ego of respondent number 2 ought to have been satisfied on receiving the apology, and instead of continuing with this proceedings the respondents ought to have closed the matter. Unko band kar dena chahiye tha. Ye usual grace hai kisi bhi institute ki. And he submitted that the use of expression adopted unfair means was factually incorrect on the face of it. He added that such reflection in relation to petitioner's result shows not only vindictiveness of the respondent number 2 but also irresponsible and unprofessional approach of a professional body. Okay, aap socho is case ki gravity ko samjho. Mr. Bhandari, learned counsel appearing for the respondents firstly raised the preliminary objection that in the face of an efficacious alternative remedy of filing a review before the counsel against the decision, the writ petition is not maintainable. Ye to kehte hain bhai aap gaye kyun, bhai aap court kyun ja rahe ho? Institute ne hamare ye pehle bola ki bhai aap court mein kyun jaate ho. Main aapko chhota sa aur choti choti baat karta hu. बच्चे ने ये भी कहा कि मैं एग्जाम्स देना चाहती हूँ, प्लीज रीथिंक योर डिसीजंस। क्वेरी बोली कि ठीक है अगर हम लोग ऐसे देते हैं ऑप्ट आउट देते हैं, तो फिर वो बोलती है कि ठीक है उस मैसेज के बदले। ठीक है, बेचारी इंस्टीट्यूट जो है उसने उसे इतना बेचारा बना दिया कि दिक्कत हुई, बहुत दिक्कत हुई, मतलब इतनी पीड़ा, और फिर आपने रिजल्ट रिलीज नहीं करा उनका, अडॉप्टेड अनफेयर मीन्स के बारे में बोला। ठीक है, फिर इन्होंने ये लिखा द रेस्पॉन्डेंट मे बी डायरेक्टेड टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द पिटिशनर any other appropriate order or direction which this honorable court considers just and proper in the facts and circumstances of this case may kindly be passed in favor of the petitioners, cost of the writ petition may kindly be awarded to the petitioner. Very good. Aur suno in view of the above, theek hai, ye dekhna zara. The impugned decision cancelling petitioner result is nothing short of colorable exercise of powers. It also showcases vindictiveness of respondent committee. Institute के बारे में बात नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं कमिटी के बारे में बात कर रहे, कमिटी के बारे में। और देखो, the petitioner had sent the contentious email on 2011. Whereafter on 22/11 the respondent's counsel sent a notice to the petitioner on her email. Relevant extract kya hai? Called upon to refrain from addressing any such communication to ICI or any other organization concerning the examinations currently being conducted by ICI, failing which ICI shall be constrained to initiate appropriate legal proceedings against you at your cost and consequences which you may please note. Ye sandesh ICAI ke dwara bheja gaya bachchi ko. और देखो मैं आगे की बातें बताता हूं। ठीक है, ये इन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में भी लिखा है।
इफ अ कैंडिडेट इज रिपोर्टेड टू हैव बिहेव्ड इन अ डिसऑर्डरली मैनर इन और नियर एन एग्जामिनेशन हॉल और इज रिपोर्टेड टू हैव रिजॉर्टेड टू और अटेम्प्टेड टू हैव रिजॉर्टेड टू अनफेयर मींस और ये सब लिखा हुआ है, आप देखेंगे उसके अंदर भी साफ 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 उन्होंने बताया है कि इट इज इन और नियर एन एग्जामिनेशन हॉल, जबकि बच्ची ने तो एग्जाम दिया ही नहीं, उससे पहले ही मेल डाल दिया, आप इसके बारे में उसका रिजल्ट कैसे रोक सकते हैं? ये किसने कहा? कोर्ट ने, इंस्टीट्यूट को, कि आप नहीं रोक सकते उसका रिजल्ट। और सुनिएगा, देखो और क्या लिखते हैं ये, और क्या लिखते हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, हेंस इट्स डिसीजंस, एक्शंस एंड एडजुडिकेशन आर सपोज्ड टू कन्फर्म टू द स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्टेड ऑफ स्टेट और इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ अ स्टेट, अ स्टेट दैट सप्रेसेस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इन्फ्लिक्ट्स और इम्पोजेज एक्सट्रीम पनिशमेंट ट्रीटिंग एन एक्ट और अटेम्प्ट ऑफ क्रिटिसिज्म and or if it treats any suggestion for improvement as a challenge to its authority or supremacy is a state that disregards rather violates fundamental rights of citizens guaranteed by article 19(1)a. theek hai, aur dekho kya likha hai, the respondent institute is directed to send original mark sheet and certificate of passing ca intermediate examination to the petitioner forthwith. It will be required of the respondent institute to appropriately reflect petitioner's result on its official portal. Though the facts of the present case warrant imposition of exemplary costs, वो कह रहे हैं कि इसमें तो हमें इस institute को जबरदस्त penalty लगानी चाहिए. But this court feels that quantification of cost would be a guesswork and improper assessment of the agony and trauma which the petitioner is undergone. But बोले बिचारी के लिए हम ऐसे कोई अनुमान नहीं लगा सकते. Hence, this court abstains from imposing any cost in the form of damages or otherwise. While hoping that in future the institute will not take any such action and take any criticism in positive stride, the court hastens to add that a professional body like the respondent institute should introspect, अपने अंदर झांको and ensure करो कि आपकी over enthusiasm, आपका professional excellence, आपके endeavors, high standards of discipline, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की freedom of speech खाएंगे. The cost, उन्होंने बोला कि 20,000 रुपए की कॉस्ट जरूर उसकी लगी है ये सब लिटिगेशन मैटर्स में, वो जरूर इनको मिल जाए. और उन्होंने कहा कि ये हो गई एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ लो. तो अगर आप में से किसी का रिजल्ट नहीं आया था, आप में से किसी का अगर किसी की चीज कोई रह गई थी, ठीक है, आपको रिजल्ट नहीं दिया, तो आप अधिकृत हैं, केस और भी लोगों पे हुआ है, ठीक है, केस और भी लोगों पे हुआ है. समरी ये है, समरी मैं आपको और एक अच्छे तरीके से बता देता हूं. बच्चे का रिजल्ट रोका क्योंकि बच्चे ने पूछ लिया भाई आपके अरेंजमेंट ठीक नहीं है, आप एग्जाम गलत तरीके से करा रहे हो. जब बच्चे को रिजल्ट नहीं दिया तो बच्चा कोर्ट में जाता है, कोर्ट ने बोला कि रिजल्ट देना पड़ेगा और कृपया करके फ्रीडम ऑफ स्पीच की इज्जत करें. ये साफ साफ कोर्ट ने बोल दिया है. और उन्होंने कहा कि कोर्ट को शर्मिंदगी महसूस हो रही है, एक तरीके से काइंड ऑफ, मैं बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं, ठीक है, कि कोर्ट को अच्छा नहीं लगा कि ये मैटर आईसीएआई द्वारा आया, क्योंकि वो लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट द स्टेट, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये इस तरह के एक्शंस अगर लेगी कि लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करे और कोई भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ना ले सके, और अगर आप साइलेंस करें किसी को, किसी की स्पीच को साइलेंस करें, तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये इन्होंने कहा है. मैंने मैटर को जैसा है वैसे ही फॉर्म में दिखाया है, मैं अपनी कोई इसमें वो नहीं डालना चाहता. मैं बच्चे के लिए बहुत खुश हूं, बच्चे को जस्टिस मिला. आप में से कई ऐसे होंगे जिनके रिजल्ट्स नहीं आए, वो इस केस का हवाला देके, इस केस का हवाला देके आईसीआई को मेल कीजिए, ठीक है, ये आप पूरी डिटेल्स उतार लीजिए. पहला पॉइंट मिल रहा है आपको सामने सामने, आप इनकी डिटेल्स उठाएं, ठीक है, और इस केस का हवाला देते हुए आप अपने रिजल्ट भी डिक्लेयर करें, जिनके नहीं हुए. दैट्स इट. मैं आपसे बस ये कहने के लिए आया था, मेरे को कोई मतलब नहीं है. मैं इसलिए नहीं आया कि मुझे इंस्टीट्यूट को नीचा दिखाना है, ऐसा कुछ करना है. इंस्टीट्यूट चलाता काउंसिल है. काउंसिल के कुछ मेंबर्स एग्जामिनेशन कमिटी चलाते हैं, उसके बेसिस पे मैं पूरे इंस्टीट्यूट के ऊपर तो कुछ भी नहीं कहूंगा, ठीक है. हाउएवर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कई बच्चे ऐसे हैं बेचारे जिन लोगों के रिजल्ट नहीं आ पाए थे और वो भी इसी तरह से कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि फंसे हुए थे. अब वो लोग भी जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वो लोग भी रिजल्ट ले सकते हैं,
और ठीक है, कोर्ट ने एडवाइज करा इंस्टीट्यूट को कि भाई आप भी जो भी कोई कंस्ट्रक्टिव बात आए आपकी ओर, आप उसे ढंग से ही लें। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, जिन किसी का भी, खासकर जिन किसी का भी रिजल्ट रह गया था। ट्विटर पे कई मैसेजेस फ्लोट हुए थे कि 40-50 बच्चे ऐसे थे जिनको रिजल्ट ही नहीं दिया गया, उन सबको एटलीस्ट इन्फॉर्म करें अबाउट दिस जजमेंट, बिकॉज एक बच्चे के थ्रू आया है। मुझे लगता है कि बाकी बच्चे भी अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं इसकी मदद से, और अपने अपने रिजल्ट जो है वो रिलीज करवा सकते हैं। तो ये मैंने आपकी सिर्फ मदद करने के लिए आप लोगों को ये सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करा है। अगर आपको लगे कि हाँ हमने अच्छी बातें बताई आपको, कुछ काम की बातें बताई, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, सभी के लिए। और गर्ल पावर तो है भाई, गर्ल पावर को तो नमन है। अच्छा हुआ, चलो कहीं ना कहीं किसी बच्चे ने तो अपने अधिकार को मांगा, डिमांड करा और उन्हें मिला। तो ये मैंने जजमेंट आपसे शेयर कर दिया है, जजमेंट आप लें, और मुझे लगता है कि आप लोगों को इसके थ्रू ठीक है काफी क्लैरिटी मिलेगी ऑन वेरियस नोट्स। ओके जी, टेक केयर, हैव अ रियली गुड डे।